गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा के सेकंड टॉपिक पर आ गए हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा हमने फर्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट किया था, उस समय आप सब लोगों को मैंने बताया था कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसके सोर्सेज होते हैं और उसके मेथड होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स को हम लोग फर्स्ट हैंड सोर्स भी कहते हैं और सेकेंडरी सोर्स को हम लोग सेकेंड हैंड सोर्स भी कहते हैं। अब ये जो डाटा हैं, इनका जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन करके इनका यूटिलाइज किया जाएगा, तो कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड हैं? कुछ मेथड प्राइमरी डाटा कलेक्शन के होंगे और कुछ मेथड किसके होंगे? सेकेंडरी डाटा के। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो मेथड स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको थ्री पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के थ्री मेथड हैं, एक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। तो थ्री हैं जो पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा हम लोग लेते हैं और डाटा इससे कलेक्शन होता है, फिर इसका डाटा का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर के द्वारा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, तो उसमें एक रहता है और उसके साथ साथ क्वेश्चनायर के साथ साथ कुछ शेड्यूल भी हम लोग बना लेते हैं। और ये जो डाटा हम लोग कलेक्शन करते हैं, टू मेथड होता है, एक मेलिंग क्वेश्चनायर होता है, सर्वे होता है, और उसके साथ साथ इन्यूमिनेटर मेथड होता है। जो मेलिंग क्वेश्चनायर और सर्वे होता है ये तो अपने आप वर्ड से ही क्लियर कि मेल किया जाता होगा, और वो क्वेश्चनायर का एक अपने लेटर के साथ में टैग कर दिया जाता है जिससे जिसके पास भेजा जाता है वो पर्सनली उसको डिटेल उसमें फिल करता है और उसको बताया जाता है कि हम इसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। जो इन्यूमिनेटर्स मेथड है ये एक अलग तरह का मेथड है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से पूछते हैं लेकिन पीपल के डायरेक्ट सोर्स से ना पूछकर। जैसे एक सिंपल सा है कि अगर हमें किसी फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो एम्प्लॉयर से ना लेकर एम्प्लॉय से हम लें, मतलब ओनर से हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, तो वो जब होगा तो ये इन्यूमिनेटर मेथड के नाम से जाना जाता है। और थर्ड जो इसका होता है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो ये हमारे पास थ्री जो हैं, ए बी एंड सी, इनको ही हम डिटेल रूप से आगे चलकर पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन आज की स्लाइड में केवल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इसको जानेंगे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, फिर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा डाटा का कलेक्शन किया जाता है तो उस समय कौन सी इसकी मेरिट्स होती हैं, कौन सी इसकी डिमेरिट्स होती हैं, और इसके क्या यानी कि आगे प्रोज और कॉन्स हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे। तो ये डाटा कॉन्सेप्ट क्या है? दिस डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट द डाटा। जैसे मैं अगर एक पर्सन हूं, मुझे डाटा कलेक्ट करना है, और स्टूडेंट आप लोग क्या हो? एक सोर्स हो हमारे लिए। तो मुझे कलेक्ट करना है कि हिंदी में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, अकाउंट में कितने आए, बीएसटी में कितने आए, इकोनॉमिक्स में कितने आए। तो मैं डाटा अगर ये कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ही इन्वेस्टिगेटर हूँ। फिर दूसरा होता है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट्स कौन होते हैं? हु प्रोवाइड डाटा, मतलब यू, आप लोगों, आप लोग क्या करोगे? आप लोग हमें डाटा प्रोवाइड करोगे। तो टू, आप देखोगे इसकी डिफिनेशन में टू वर्ड आए, इन्वेस्टिगेटर आया है, इन्फॉर्मेंट्स आया है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तभी डाटा का रियलिस्टिक वे में कलेक्शन हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें होना बहुत मस्ट है। फिर हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या होती हैं। मेरिट से मेरा मतलब क्या है कि जब हम डाटा पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं, अगर मुझे डाटा की जरूरत हो तो मैं पर्सनली उस पर्सन के पास जाऊंगा, उस सोर्स के पास जाऊंगा जो सोर्स से हमें डाटा अवेलेबल होना है। तो जब उसके सोर्स के पास मैं पहुंचता हूं तो हमें डाटा कलेक्शन मिलता है। तो डाटा की सबसे पहली मेरिट क्या हो जाएगी? ओरिजिनलिटी होगा। ओरिजिनलिटी का मेरा मतलब क्या है कि जो डाटा होंगे बिल्कुल ओरिजिनल होंगे।
दिस डाटा हैव द हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, इसलिए होंगे क्योंकि जिसने डाटा मुझे दिया है और उससे मैंने कलेक्ट किया है, तो इसमें किसी तरह से बीच में कोई इमिडिएटर नहीं आया, तो इससे हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। दूसरी होती है कि एक्यूरेसी रहेगी। क्यों एक्यूरेसी रहेगी? क्योंकि डाटा मुझे अगर बताना है, मेरे ही सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे बताने हैं, तो मैं एक्यूरेट मार्क्स बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ये मान के चला जाता है कि वो किसी तरह से फ्रॉड नहीं करेगा, एक्यूरेसी उसके अंदर रहेगी। तो ये दिस डाटा इज फेयरली एक्यूरेट ड्यू टू द इट्स पर्सनल कलेक्टेड। फिर इसके बाद इसकी थर्ड क्या रहता है इसका, कि सुटेबिलिटी होती है। दिस डाटा इज सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। लेकिन सुटेबल तब होता है जब फील्ड, यानी कि क्लास मुझे कहा जाए कि 12H 12I या 11J या 11I 11th, इस तरह के क्लासों से मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो फील्ड मेरे लिए सही फिक्स हो। अगर ये फील्ड अगर पूरा स्कूल मिल जाएगा तो शायद ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल नहीं होगा, फील्ड इसमें लिमिटेड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। ग्रेटर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि सारे लोग बिल्कुल एक्यूरेट डाटा ही देंगे, अप्रॉक्स नहीं देंगे, क्योंकि कई बार आप देखोगे क्लास वही क्लास करके आएंगे और जब अगले क्लास में उनसे मार्क्स पूछो तो अप्रॉक्स मार्क्स बताने लगने, तो ऐसे डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते। हमें सुइटेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि डाटा हमें लिमिटेड फील्ड से कलेक्ट करना चाहिए, और दूसरा इसकी ओरिजिनलिटी हाई डिग्री की होनी चाहिए। फिर इसमें क्या होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना चाहिए, उसको कभी भी हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो डाटा पर्सनल डाटा हमने कलेक्ट किए हैं, वो किसी तरह पब्लिक के लेवल में हम पब्लिश करने के लिए उसको नहीं किए। फोर्थ क्या हो, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक्यूरेसी होना चाहिए, हम पहले बता चुके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डाटा कॉन्टेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, तो जब डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो जिससे हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि वो हो। फिर इसके बाद रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ड्यू टू द कलेक्टेड पर्सनली रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज नॉट डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर होने चाहिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेटर में कलेक्ट अदर रिलेटेड डाटा आल्सो, दूसरे भी डाटा वो कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको तभी उसके हम सही लाएंगे। फिर ये क्या हो जाता है, कॉस्टली है। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ दी टाइम मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व। फिर लिमिटेड कवरेज होता है इन्वेस्टिगेटर के एरिया में, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में ही इसको कवर किया जाता है। तो फिर इसके बाद यूनिफॉर्मिटी, ड्यू टू इट्स पर्सनली कलेक्टेड इट हैज हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इट फैसिलिट कंपेरिजन, आसानी से कंपेरिजन किया जा सकता है। इलास्टिक होता है, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर कैन मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन इंक्वायरी, जाता है उसको डाटा कलेक्ट करने में, एक डाटा नहीं मिल रहा तो दूसरा डाटा पूछ सकता है, एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बता रहे हैं अदर सब्जेक्ट के मार्क्स, अदर सोर्सेज से उसके मार्क्स हम जान सकते हैं, उसके द्वारा उसकी मार्कशीट मांग करके जान सकते हैं। तो ये रहती है, तो ये सब के सब इसकी मेरिट्स हैं। फिर डीमेरिट्स इसकी क्या होती हैं, एक है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, बड़े एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी डिफिकल्टी इसमें आ जाती है, पर्सनल बायस होता है कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पर्सनली, अगर मैं बोर्ड के लिए पर्सनल पूछने गए हूँ किसको वोट आप दे रहे हो, तो मैं भी पर्सनली किसी के साथ बायस होऊंगा, किसी पार्टी के साथ, तो शायद होगी हम आपके डाटा को क्या कर लें, फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। फिर इसमें असाइनमेंट है आपको, ये सब के सब ये मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, मेरिट डीमेरिट्स के बाद आपको ये होमवर्क करके लाना है। टू क्वेश्चंस हैं, पहला है व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एनी फोर ऑफ इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। ओके, थैंक यू।